अब हम बात करेंगे चैप्टर एंड इवोल्यूशन की तो उसमें हमारा जो पोर्सन इवोल्यूशन जो कट है तो हेडिटी की बात करेंगे डू यू मीन बाई हेडिटी हु इज इट्स फाउंडर तो सबसे पहले हेरिडिटी होती क्या और इसका फाउंडर कौन है ये हमें देखना है तो देखो द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर करेक्टर का ट्रांसमिशन होना मतलब पास होना फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में क्या होना पास होना ट्रांसफर होना उसको क्या बोलते हैं हेरिडिटी है बोलते हैं और इसकी डिस्कवरी किसने की थी हेरिडिटी डिस्कवरी ग्रिगर जोन मेंडल, ग्रिगर जोन मेंडल, थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट उसने पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और इसको डिस्कवर किया था कि हेरिडिटी का ट्रांस मतलब जो करेक्टर उनका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इफ यू ट्रेट ए एग्जिस्टिंग टेन ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे दो ट्रेट दे रखी है ट्रेट ए दे रखी है ट्रेट बी दे रखी है ओके okay? कोई ट्रेट ए बोल रहा है कि वो टेन परसेंट है पॉपुलेशन में ठीक है, है ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज और रिप्रोडक्शन भी क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर यही बात याद रखनी है एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन दिक्कस परसेंट ऑफ द सेम पॉपुलेशन जो बी है वो सिक्सटी परसेंट है पॉपुलेशन के अंदर विच स्टेट इज लाइकली टू हैव राइज अर्लियर तो ये बोल रहे हैं कौन सी ट्रेट है वो सबसे पहले राइज होगी ठीक है टेन परसेंट है जो पॉपुलेशन में वो ट्रेट या फिर सिक्सटी परसेंट है पॉपुलेशन में वो ट्रेट और दोनों के लिए ही यहाँ पे ए सेक्सुअल इोडक्शन बताया गया है ठीक है तो हम देखते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा क्या होगी राइज होगी तो देखो इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए सेक्सुअल इोड्यूसिंग स्पीसीज द चांस ऑफ पेरेंट्स ऑफ न्यू ट्रेट ड्यू टू वेरिएशन आर वेरी लो देखो ये साफ़ साफ बोल रहे कि हमें पता भी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन तो बहुत ही कम होती है वेरी लो होती नेग्लिजिबल होती है एंड द ट्रेट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन लाइकली टू बी इन द हायर परसेंटेज

दो परसेंटेज है उसको चेंज कर सकता है तो घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की की बात करते नंबर हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन सर्वाइवल मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि वेरिएशन क्रिएट होती हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर तो वो उसके सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करती है मतलब सर्वाइवल में हेल्पफुल कैसे होती है वेरिएशन ये हमारा क्वेश्चन है तो हम देखते हैं इसका आंसर देखते हैं

उससे क्या आ जाती है वेरिएशन आ जाती है मतलब वो थोड़ा डिफरेंट होता, होता है अपने पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है अगर वो वेरिएशन फेवरेबल है मतलब पॉजिटिव है दे हेल्प द इंडिविजुअल टू सरवाइव तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगी हेल्प करेंगी सर्वाइव करने में एंड पास दिज वेरिएशन टू द प्रोजनी और

जो उनका अलग अलग तरीके से सर्वाइवल में हेल्पफुल हो सकते हैं ठीक है जैसे कि बैक्टीरिया कैन स्टैंड हीट हीट विल सर्वाइव इन वेव ठीक है मतलब समझो कि बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आ गई किसी दो तरह के बैक्टीरिया है एक के अंदर वेरिएशन आ गई है कि ये हीट की वेरिएशन आ गई तो ये क्या करेगा ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी हीट वेव के अंदर तो ये तो सर्वाइव करेगा क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन थी दूसरे के अंदर नहीं थी वो क्या हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी डाई हो जाएगा तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके की वेरिएशन होते हैं जो अलग तरीके से वो क्या करती Helpful है हेल्पफुल होती हैं ओके अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की इन एनी पॉपुलेशन नो टू इंडिविजुअल आर एब्सोल्युटली सिमिलर व्हाई मतलब किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी दो जो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सिमिलर हैं नहीं होते हैं ऐसा क्यों है ठीक है

कैसे आ जाती हैं वो बता रहा है ड्यू टू द म्यूटेशन से आ सकती है म्यूटेशन हो सकती है mutation एक sudden change होता है ठीक है ना किसी वजह से किसी केमिकल फिजिकल एजेंट की वजह से क्या हो जाता है एक सडन चेंज आ जाता है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं और म्यूटेशन भी benefit, मतलब ऐसी हो सकती है बेनिफिशियल भी हो सकती है हार्मफुल भी हो सकती है साइलेंट भी हो सकती है और वो अपने आप को शो भी कर सकती है रीसफलिंग ऑफ जीन रिसफुलिंग ऑफ जीन का मतलब है जीन रिसफुल होना मतलब रीअरेंज होना ठीक इस तरीके से हो सकता है जैसे डीएनए कॉपी होते टाइम क्या होता है कि वो एक्यूरेट नहीं होता इस तरीके से एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर ट्रेट्स जो एक्वायर ट्रेट है एक्वायर जो अपने लाइफ टाइम एक्वायर करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म वो ट्रेट क्या हो जाती है धीरे धीरे पास होती हैं ड्यूरिंग दूसरी इंडिविजुअल तो ये धीरे धीरे चीजें हैं ये सभी इफेक्ट करती है जिसकी वजह से सभी जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से ओके दिस इन एनी पॉपुलेशन नो टू इंडिव्यूअल आर एब्सोलूटली सिमिलर तो बहुत सारे फैक्टर है ये बता रखे हैं जिसकी वजह से वो सेम नहीं होते सिमिलर नहीं होते हैं ठीक है जिसके अंदर डी एन ए एक रीजन है म्यूटेशन एक रीजन है

थोड़ा सा बस उसको अलग तरीके से पूछ रखा है ओके okay, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या रीजन है कि वो अपने पेरेंट्स को एग्जाम्पल करते हैं लेकिन ग्रांड पेरेंट्स को उतना नहीं करते हैं और इसमें मतलब देखते हैं क्या बताते हैं द टू पेरेंट्स इनवॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस गैमेट्स दो पेरेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हम सभी को पता है गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो गैमेट फ्यूज हो जाते हैं फ्यूज टूगेदर फॉर्मिंग जायकोट ठीक है जायोट बनाते हैं फादर मदर के जो है जब फ्यूज होंगे तो बनेगा। इट ग्रेजुअली डेवलप इन टू सिमिलरिटीज तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा एक चाइल्ड के अंदर ग्रो होगा, डेवलप होगा जो कि कुछ सिमिलरिटीज अपने पेरेंट्स के साथ क्या करेगा सिमिलरिटीज शो करेगा ठीक है तो यहां तक तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये वही चीज एक्सप्लेन कर रखी है सीन्स इज चाइल्ड इनहेरिट इट्स करेक्टर फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स क्योंकि वो अपने दो दोनों पेरेंट से फादर से मदर से क्या करता है इनहेरिट करता है मतलब लेता है गेन करता है करेक्टर ठीक है ना वो अपने दोनों पेरेंट्स से करेक्टर को गेन करता है द रिजेंबलनेस विद डेम इज वेरी क्लोज इसीलिए उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोजनेस क्लोज रिजेंबल करेगा ठीक है ना बहुत ज्यादा रिजेम्बल करेगा मतलब द ग्रांड पेरेंट्स एंड द ऑफ़ जीन पुल इज क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड ठीक है ना मतलब क्या बोल रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत कम करेगा, क्योंकि गैप हो, गैप हो गया है क्योंकि जो ग्रांड पेरेंट है जब उसके ग्रांड पेरेंट के जो चाइल्ड थे उनके अंदर जो जीन अरेन्ज हुई या म्यूटेशन हुई वो और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन हुई अरेन्ज हुई ठीक है ना तो ये चेंज आ गया जो उसमें गैप ज्यादा हो गया गैप ऑफ जीन पुल का मतलब क्या जीन पुल का मतलब क्या बहुत सारी जीन के अंदर ठीक है ना ये गैप आ गया है मतलब रीअरेंज हो गई है इस वजह से वो ग्रांड पेरेंट्स के साथ कम और अपने पेरेंट्स के साथ क्या करेगा ज्यादा रिजम्बल करेगा वेरिएशन ऑफ टू जनरेशन मिक्सिंग टूगेदर अब यहाँ पे दो जनरेशन की वेरिएशन मिक्स हो गई है वही बात हो गई मतलब रीअरेंज रे हो गई बहुत सारी जीन मिक्सिंग टूगेदर एंड एडिशन ऑफ न्यू वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट्स डिफरेंस बिटवी एक्सटेंट तो यहाँ पे नई वेरिएशन आ गई है दो जनरेशन की जो जी है, वेरिएशन है, वो मिक्स हो गई है चाइल्ड एग्जाम्पल मोर क्लोजली टू इट्स पेरेंट एंड इज ग्रैंड फादर तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि वहां से उठाना ठीक है और एक न्यू जनरेशन मतलब न्यू यूनिक फीचर्स उसके अंदर आ जाएंगे और गैप ज़्यादा हो जाएगा बस ये बात है ओके okay.